नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी ब्रेड टोस्ट, जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अक्सर सभी के घरों में बच्चे होते हैं और बच्चे सब्जियाँ खाने में आनाकानी करते हैं, तो उन्हें सब्जियाँ पसंद नहीं होती। आप इसमें कोई सी भी सब्जी डालकर इसे बना सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नाश्ते को बनाना। सबसे पहले रवा टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, उसमें लेंगे आधा कटोरी सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, आप इसकी जगह मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी कटोरी में आधा कटोरी लेंगे दही, जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हम दही लेंगे। इन चीज़ों को करेंगे दोनों को अच्छे से मिक्स। आधा कटोरी लिया है पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। परफेक्ट फुल तैयार हो गया है इसका। हमने ये ज़्यादा ना गाढ़ा रखा है ना पतला। अब इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने। उसके बाद मैंने ली है ये दो ब्रेड बड़े साइज के, और साथ में ली है कुछ सब्जियाँ, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये लिया है मैंने टमाटर एक, ये बारीक कटा हुआ धनिया, ये एक शिमला मिर्ची और एक बड़ी साइज की प्याज और एक हरी मिर्ची। इन्हें सभी सब्जियों को अच्छे से काट कर चॉप कर लिया है। 15 मिनट हो गए हैं सूजी को रखे हुए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे सब्जियां जो हमने काट के रखी थी। सबसे पहले सभी सब्जियों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स सूजी में। अब इसमें डालेंगे टमाटो केचप एक चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लेंगे ब्रेड और ब्रेड पर इसे करेंगे अच्छे से स्प्रेड। दोनों ब्रेड पर अच्छे से लगा दिया है। अब इसे चलते हैं बेक करने। गैस पर रखेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे घी थोड़ा सा। और हमने जो टोस्ट बना के रखे थे उन्हें उल्टी साइड से डालेंगे, जिस साइड से हमने लगाया है बैटर उस साइड से ऐसे रख देंगे इस पर। इसे भी ऐसे ही रख देंगे पलट कर। दोनों ब्रेड को रख देंगे और इसे अच्छे से बेक होने देंगे उस साइड से, और ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे इनके। अब इनको पलट देंगे, इधर से भी अच्छे से सेक लेंगे इनको, दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से सेकने देंगे। टोस्ट दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, अब निकाल लिए हैं। अब इसे कट कर लेंगे। टोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपके बच्चे भी सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं तो ये टोस्ट जरूर से जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप भी इस टोस्ट को जरूर से जरूर बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।